ब्रो को लगता है कि ये इनके सोरों का घर है, इसीलिए आते ही यहाँ पर सो चुके हैं। ब्रो ओए 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 वो लिपस्टिक लगाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, क्या हाल चाल हैं आपका। एक ब्रांड न्यू ब्लॉग में भाई वेलकम कर रहे हैं आज फुकेट शहर से। एक साहब कर रही हैं जी अपना नाश्ता और नाश्ते में चल रहा है इनके आज क्या है ये दाल खिचड़ी। दाल खिचड़ी मैंने तो नाश्ते में सिर्फ और सिर्फ एक ब्रेड का पीस आज खाया और वो भी जैम लगा कर, और जैम भी शेख साहब ने मेरे पर ऐसा एहसान किया कि मुझे ऑरेंज जैम ला कर दे दिया, जो कि जिंदगी में मैंने आज तक नहीं खाया था। और ऑरेंज वाला जैम मैंने ब्रेड के ऊपर लगा कर इतना ओखा होकर खाया है ना कि क्या बताऊँ यार, बस नहीं बता सकता। मैं मंगाया दूजे सी मैंगो मरजनी बी जड़ी है ना वो बाजी ऑरेंज ले आई मनु वो हफ्ता हो गया मैं खादा नहीं थी यार। बी दरअसल हमारी रिसेप्शनिस्ट है, इसे उसको भेजा था कि जाओ जाकर मैंगो जैम ले आओ, वो ऑरेंज वाला जैम उठा कर ले आई। अगो मनु एक्सप्लेन कर रही है नहीं कर रही कि मेरी गलती है कि ठीक है मैं दूजा ले आई हूं। दिस वन गुड ना, गुड हेल्थ, गुड लंग्स, एवरीथिंग गुड, यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जैम का की चक्कर सुबह ना भाईजान उठो, उठे बड़े हैं, रेडी हो रहे हैं, रेडी हो ना जल्दी निकले। और वो बाकी ना 1200 बात की टिकट हो रही है 1200 एक बंदे की, तो अपने अपने पैसे कट दो। 1200 बात वही कल वाला हिसाब हो गया। हाँ कल वाला हिसाब हो गया, तो बाहर जा रहे हैं कटो। शेख साहब पैसे ही इकट्ठे करो, इससे भी लो, इब्रार से भी लो। कुछ ऐसा पहनो जो प्लेस्टल का बना हो, ये चीज। हाँ ये वाली, हाँ ये पहन के जाना है। निकर पहन लेंगे, निकर नहीं ये वाली पहननी है, ये इस तरह स्टफ ना हो तो की करिए। और शर्ट भी इसी तरह की पहननी है, शर्ट बेशक ना पहनो क्योंकि वो स्लाइड होती है ना। अगर ये नहीं पहनो, शर्ट पहनूंगा मुझे शर्म आती है, मैं शर्ट पहनना, ये मेरा कहना बन गया। तेरा नहीं आता भाई, तेरी तो अच्छी खासी बॉडी है यार, नहीं है मेरे को। ये हर इंटरनेशनल पार्क का असूल है कि भाई इस तरह वाला कपड़ा आप पहन कर जाएंगे वाटर पार्क के अंदर। मेरे पास एक शर्ट पड़ी हुई है, ये इस वाले कपड़े की। हाँ बस ठीक है, अभी ला दो। हाँ वो ला दो, नहीं पहन के नहीं जाऊंगा, वहाँ जाकर पहन लूंगा। और उसके बाद मैंने भी तो ले लिया कपड़े। नहीं लेकर आई, मेरे आपने सुटवा नहीं दिए थे वहाँ पे। मैंने कहाँ सुटवाए थे, मलेशिया में मेरे ख्याल से। जब हमारा सामान ज्यादा हो गया, बिकॉज लास्ट हमारा ट्रिप था ना मलेशिया का भी, तो उसमें हमारा बैगेज का वेट काफी ज्यादा हो गया था। फिर मैंने कुछ कपड़े निकाल कर डस्टबिन में फेंक दिए थे, क्योंकि अगर मैं उस बैगेज के एक्स्ट्रा पैसे पे करता तो उसका खर्चा ना मुझे अपने कपड़ों की मालियत से ज्यादा पड़ रहा। फिर मैंने कहा यार कपड़े निकालो और उसको डस्टबिन में फेंको, और तब फिर जा सके थे हम लोग पाकिस्तान वापस। हाँ जी ये वाली शर्ट चाहिए, बस ठीक है ये शर्ट मैं अपने साथ रख लेता हूँ, और जो पहनी हुई है वही पहन कर निकल जाता हूँ, वहाँ जाकर चेंज कर लूंगा। जी पूरा 1200 चाहिए, ये 1000 है, ये 1000 है, और 200 दो, और दो ब्रार साहब आप भी दो, दो बंदे कह रहे हैं यार रहने दो वाटर पार्क को, वाटर पार्क के अलावा हम लोग किसी और जगह चलते हैं। फिर तभी आकर हमारे ये जनाब शेख साहब ने मशवरा दे दिया कि कयाकिंग के लिए चले, तो अब सबका प्लान कयाकिंग का बन गया। मैंने कहा यार अब जिसकी बुकिंग ले रहे थे वाटर पार्क की, वहाँ ना चले जाएं, क्योंकि कपड़े भी उसी के मुताबिक पहने। कहते कोई मसला नहीं यार, कपड़े अब पहन ही रखो। साथ जी तो आप भी कयाकिंग के हक में हैं भाई, कयाकिंग कर लेते हैं, यहाँ पर सारे होंगे, शुक्र वहाँ लग ही जाएगा। हाँ बस ठीक है, कल वाटर पार्क का, बस ठीक है फिर कल ही करो भाई, अब मैं भी इसी हक में हूँ। कल बाय वन गेट वन फ्री मिलेगी, 1500 फॉर टू, और आज 2400 फॉर टू डिस्काउंट। कल जाऊंगे, कल ही जावांगे। फिर फायदा हो गया यार, जिसने भी मशवरा दिया था ना कयाकिंग का, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे भाई, क्योंकि तुम्हारे चक्करों में हम लोगों ने कल की रिजर्वेशन के मुतालिक पता किया, और कल वो ऑफर दे रहे हैं। एयरपोर्ट वाली आवाज, कितनी अच्छी आवाज है ना हमारे इब्राहिम की, लेकिन इब्राहिम ने हमें न्यूज बहुत ही गलत सुना दी है। अभी कयाकिंग का प्लान किया तो कयाकिंग भी भाई क्लोज आ रही है, और अभी इब्राहिम भाई नहीं बताया अभी, तो क्या करें। हाँ 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 उधर चलिए, उधर क्या है, बांदर ही बांदर, इधर भी बड़े बांदर है। चेक कर शेर वाली शर्ट पहन के घूम रहे, और ये सलवार कमीज पहन के भी घूम रहा है, और ये चेक करो टोपी पहन के भी घूम रहा है। टोपी पहन के तो सी भी नहीं पहन के,
मैंने टोपी उतार दी। चलो जी भुआन जी एसी करा लिए टैक्सी, और टैक्सी करवाने के बाद हम जाने लगे हैं। बताना नहीं है, भुआन जी बताऊंगा। पीछे हम लोग चार लड़के बैठ चुके हैं जरा कंजेस्टेड होकर, आगे ये दो लड़की हैं और साथ में हमारी ड्राइवर बहन भी लड़की है। अब अल्लाह खैर ही करे बस। आमीन। चलो ननु पीछे कर ले बानो। क्यों तू पूरा बदन मेरे से सटे? ओए बाजू नहीं तुझे चुभ रही, बदन नहीं सटे पीछे होके बैठ जा। बाजू नहीं है वो जब अबे यार यार मैं सलवटे डल गई ब्रो, सलवटे डल गई। तू बोली मेरे जला मार। पहुंच गए हैं जी अपन लोग। आजू 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 आजू, देखो हम लोग कितनी प्यारी जगह पर आ चुके हैं। क्या खाना है? एक तो कैशू नट ऊपर से थाली। और ये टूट जाएगा? नहीं टूटता, नहीं टूटता, बड़ा मजबूत है यार ये। हाय 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 हाय, इस खूबसूरत से यार वो अल्लाह की कुदरत देखना। तू पहली दफा आया? मैं पहली दफा आया हूँ ना इस वाले। वहाँ पर तू गया हुआ, वहाँ पर, और वहाँ पर तूने वैलेंटाइन का डिनर किया। वैलेंटाइन का खाना तूने वहाँ पर खाया? वहाँ पर वो नीचे था ना, ऊपर तो नहीं है ना, इधर तो नहीं ना बैठा। और यहाँ पर अभी हम लोग आए हैं कुछ हल्का फुल्का से खाने पीने के लिए, क्योंकि शायद मैंने पहले बताया या नहीं बताया, लेकिन दोबारा फिर से बताते तो कि मैंने बस इतना सा ब्रेड का पीस खाया था यार, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया। और इसने तो क्या खाया, टाकोस खाए थे। इतना सा खाया है, चिकन हिप। चिकन हिप खिलाया मुझे, चिकन हिप सुबह सुबह खिला दी। तेरे लिए भी लेके आया था एक पैक करवा के। वो चिकन हिप नहीं है, वो टाकोस से। इसको कौन सी हिप खिला के ले आया? ओ यार ऑर्डर दे दो पहले यार। टाकोस नहीं थे वो? टाकोस नहीं थे, चिकन हिप था, लेकिन हिप वाली स्मेल नहीं थी। ठीक नहीं थी स्मेल। जब तक ऑर्डर नहीं आता अपना, तब तक मैं तो आराम से यहाँ लेट कर इस खूबसूरत से माहौल की तरोताजा हवा को एंजॉय कर। बेटा जी, यश बेटा जी, आपने इस तरफ नहीं आना, क्योंकि ये बच्चों के लिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया है एक तरह से, इसका ध्यान करना। क्योंकि अब इसने जितने भी रेस्टोरेंट में अफराद बैठे हुए हैं ना, शायद उन सबके टेबल्स पर जाएगी वन बाय वन। वापिस आ गई है, आज करिश्मा हो गया है, और फिर चली गई है। बेटा जी, ये आपका नहीं है बल्कि आपके वालिद साहब का है, जो कि आप खराब करने की भरपूर कोशिश कर रहे हो। इसकी जुबानें कैसे निकलती हैं जूस को देखने के बाद। अपना दूध पीना नहीं और हमारी कोई चीज छोड़नी नहीं। ओ यार मेरे हाथों पाई हो गई है। ए कमाल, इस अपनी बेटी को पीछे करो। जूस के लिए पागल हो गई है, इसको थोड़ा बहुत पिला ही देता हूँ तभी सुकून मिलेगा इसे। ये लो पियो, जमी ना, मजा आ गया। बस जी अब पिला दी, अब जान छूट जाएगी। ब्रो को लगता है कि ये इनके सोरों का घर है, इसीलिए आते ही यहाँ पर सो चुके हैं। ब्रो 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 उठो, ब्रो उठो, खुद भी उठो और अपने शेर को भी जगाओ। और ये ब्रो कोई मौका नहीं छोड़ता किसी अच्छे पॉइंट पर बैठकर शोखी मारने का, साथ ही किसी को वीडियो कॉल मिला लेता है। अरे कौन है बे वीडियो कॉल पे? ये कौन है, दज्जाल की शक्ल वाला? ओए ये तो अपना कजन है। ये तो अपनी पप्पी का बेटा। भाई काशी कैसे हो, ठीक हो? भाई काशी कह रहे बगैरता बंदा बन जा। हाय 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 हाय, ये गाना याद कर रहा ताकि मैं यहाँ बैठकर वीडियो बनाऊं। कवल वो चेक करो, फिर से हमला कर दिया इस बंदी ने। ये बेटा मैंने आपको पहले पिलाया है ना, फिर से आ गए हो। अच्छा चलो दोबारा से पिलाता हूँ, ये लो एक दफा फिर से सिप लो और फिर आधे घंटे के लिए गायब हो जाओ। चलो 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 चलो, असल में ना ठंडा बहुत ज्यादा है इसलिए मैं पिला नहीं रहा कि कहीं इसका गला ना खराब हो। अपना जी मजेदार किस्म का खाना आ चुका है, अब खाते हैं इसको और बाद में देखते हैं कि कौन सी एक्टिविटी आज हमारे नसीब में है। मीठे में भी अभी हम लोगों ने बड़ा ही जबरदस्त किस्म का पैन केक ऑर्डर कर दिया, जिसके ऊपर अब शहद की कवल बारिश कर रही है। प्लान किया था कि जी एलिफेंट बात कर लेंगे, यहाँ आए भी हैं इनके टिकट काउंटर पर, क्योंकि यहाँ है एलिफेंट बीच, तो आते ही पता चला कि इट्स क्लोज्ड और वो मैडम वहाँ खड़े होकर हिसाब किताब ही कर रही है। पता नहीं आज क्या अजीबोगरीब सीन चल रहा है, जब भी कोई एक्टिविटी करने का सोच रहे हैं कोई ना कोई पंगेबाजी आ जाती है। सुबह जाने लगे थे वाटर पार्क, वहाँ बस प्लान चेंज हो गया, फिर कयाकिंग का प्लान किया, वहाँ भी क्लोजिंग होगी, अभी खाना शाना खाने के बाद यहाँ आए हैं तो यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि जी क्लोजिंग हो चुकी है। या तो हम लोग टाइम से निकले नहीं है या फिर आज अपनी किस्मत ही खराब चल रही है। वो भी मुंह खोल कर बैठ गई, तुम लिपस्टिक लगा रही हो तो उसने भी मुंह खोल लिया। लो लगाओ लगाओ। ओए ओए ओए, वो लिपस्टिक लगाती है।
भाई इधर भी लिपस्टिक लगाती है, वाह भाई वाह। इसको अभी से मेकअप का शौक चढ़ गया। तो लड़कियों को फिर मेकअप का शौक तो फिर अरूज पे होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार मैंने एमी उधर पहन के एक ऑर्डर चल जगह बना दी, उन्हें तो निकलन दे पहले। ये देखना दो भाई मेरा चॉकलेट जैसी टांगे लेकर घूम रहा है। पहले टैक्सी से बैठ यार, बैठ तो गया हूं टैक्सी में। और किस तरह से बैठूं? जो स्टार्ट हुई हो तो कर। चलो जाने दो चाचा जी, अब कहां जा रहे हैं हम लोग? बीच पे। चलो ठीक है जी। वैसे अभी भी बीच वाले पॉइंट पर ही खाना शाना बैठ कर खाया, फिर से बीच पर लेकर जा रहे हैं। उस्ताद जी बीच पर आने के बाद हमारा फिर ये पैरासीलिंग करने को प्लान बन चुका है। अच्छा मैं पहले कह रहा था ना कि यार बीच पर जाने का फायदा नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी पहले भी समुन्द्र के पास ही बैठे रहे हैं, अब दोबारा फिर से समुन्द्र के पास जाने लगे हैं। लेकिन यहाँ आकर बड़ी चस आई है क्योंकि यहाँ पर एक्टिविटीज हो रही है। अब मैं जनाब चोरी जब भट्ट साहब और जनाब हमारे इब्रार अहमद साहब, हम तीन बंदे करेंगे पैरासीलिंग, और शेख हमारा शर्ट उतार कर समुंदर के अंदर नहाने के लिए चला गया। कौल को मैंने कहा तुम कोई एक्टिविटी करोगी? इसने कहा नहीं यार मेरी आज तबीयत इतनी सेट नहीं है, तो तुम लोग इंजॉय करो, मैं जरा एजल को संभालती हूँ क्योंकि एजल इस वक्त सो रही है। दादी बड़ा मजेदार एक्सपीरियंस है ना मैं भी अभी यही देख रहा था यार, देख कर ही मजा आ रहा है, करने का तो और ज्यादा मजा आएगा। शेख साहब नहीं करके आ गया, बचाओ वो समंदर में ना हो। अच्छा इसने अभी लेकिन वापस जाकर भी नहाना है। ओ मेरी बारी आ गई है भाई, बेल्ट पहनूंगा मैं भी। ये रात वाटा हो रहा है जी, रेडी जंग लड़न वास्ते। आए 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 यार, ये बंदा नेक क्लाइंट के पीछे भाग गया। मेरी ये लेफ्ट साइड वाली टांग को इसने इतना टाइट कर दिया यार, कोई बात नहीं यार, लेफ्ट साइड ज्यादा टाइट हो गई है, लेफ्ट साइड ऊपर रहेगी ज्यादा तो राइट वाली साइड नीचे रहेगी। हाँ। तो ऐसे डिंगा होके क्या पैरासीलिंग करूंगा? तू कन्नी खा के पैरासीलिंग करेगा ना? आ गया, अब दोनों साइड इसने टाइट कर दी है। मुझे तो लग रहा था लेफ्ट वाली साइड को थोड़ा ढीला छोड़ेगा, लेकिन दोनों को टाइट कर दिया इसने बहुत ज्यादा। हां कह रहा वन बाय वन, पहले तू जाएगा। चलो जी चोरी ब्रार साहब की बारी है, अब बेल्ट शर्ट पहन ले। मजा आया? पैरों के नीचे गुदगुदी हो रही है, क्यों पता नहीं, ऊपर वो हवा का प्रेशर होता है, पता नहीं क्या सीन है। चप्पल उतार दे, कह रहा गिर जाएगी। अच्छा चलो मैं भी उतार के रहता हूँ यार। हाँ शूज का कुछ और हिसाब है, चप्पल तो वाकई गिर जाएगी यार। भाई अभी अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। ओ मेरी बारी आ गई है, आ गई है। चलो 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 चलो, रात वाडा रेडी है, किधर आना है? ओ भाई खिंच त्रू क्यों कर रहे हो? Bye, 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 okay bye. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ भाई ये तो बड़ा मजेदार एक्सपीरियंस है। ओ हो 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 एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है जी, मजा आ रहा है। अच्छा ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, इससे पहले मैंने कभी पैरासीलिंग नहीं की। और वैसे भी सनसेट का टाइम है और सनसेट का व्यू यहाँ से एंजॉय करना, आय हाय हाय चसी और है। ये मेरे पीछे वाले भाई इसको ऑपरेट कर रहे हैं। अपनी जी लैंडिंग का टाइम आ चुका है, लैंड कर लिया। उतार दो जी, उतार दो भाई। थैंक यू सो मच। और यार बाकी पैरों में ना गुदगुदी सी होती है, दरअसल वो गुदगुदी नहीं है बल्कि ना वो पांव जैसे सुन हो रहे होते हैं ना आपके, इस तरह का कुछ माहौल होता है, जैसे वो खून छून जम जाता है ना एक जगह पर, तो आपको हल्की फुल्की सी सुइयां चुभना शुरू कर देती हैं, इस तरह का थोड़ा सीन था। गुरु बड़ा मजा आया। हाँ मैंने देखा, देखे वो इधर आ इधर। हाँ कह रहे थोड़ा फासला रखे, मरे स्मेल आ रही है। चल कर डांस। अपने अलग स्टेप है ब्रो। चल यार तू भी जा। पर कहना मेरा लहंगा घर रह गया।
ले आया हूँ मैं चाबियाँ उठा कर। इन जनाब ने ये किया कि आते हुए ना अपने रूम की चाबी रूम में छोड़ आई। अब फिर मैं ना जो डुप्लीकेट चीज होती है ना वो उठा कर लाया हूँ। अब इनमें से एक की हमारे रूम की भी होगी। नहीं नहीं डरती है वो पानी से कवल। उठा लो उसको, उठा लो उठा लो। आ जाओ चले यार थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। और साजी आते हुए टुक टुक में आए। हाय हाय क्या म्यूजिक सिस्टम होता है टुक टुक का भाई, मजेदार माहौल है। आप थाईलैंड में आए और टुक टुक में ना बैठे भाई, थाईलैंड आने का कोई मजा नहीं। रेस्ट करने के बाद जी हम लोग आ चुके थे शॉपिंग करने के लिए। अभी फैमिली के लिए और अपने लिए हल्की फुल्की सी हमने शॉपिंग कर ली है इस बड़े से मॉल में से। फंडरो जाकर सो जाओ, अब बड़ा टाइम हो गया है, सुबह जल्दी जल्दी उठना है, 7:30 बजे कंफर्म, ठीक है ना? ओके। अब जी अपने भाई को भी दे आज के ब्लॉग से इजाजत, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।